नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे चित्र देखीने पहचानवाना छे, बराबर? के एमना नाम बोलवाना छे विद्यार्थी मित्रों, अने एमना विषे आपणे थोड़ी माहिती लखवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे पहेलुं चित्र देखीए तो विद्यार्थी मित्रों शेनुं छे विद्यार्थी मित्रों आ चित्र, बराबर? कोनुं छे आ चित्र? तो અભિતા બચ્ચન, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો હવે એના વિશે આપણે થોડી માહિતી દેખીએ કે અભિતા બચ્ચન ફિલ્મ જગત મેં મશહૂર અભિનેતા હૈ। ઉનકા જન્મ 11 અક્ટૂબર 1942 કો ઉત્તર પ્રદેશ કે ઇલાહાબાદ શહેર મેં હુઆ હૈ। ઉનકે પિતા કા નામ હરિવંશ રાય બચ્ચન ઓર માતા કા નામ તેજી બચ્ચન હૈ। અમિતા બચ્ચન જી અનેક ફિલ્મો મેં અચ્છા અભિનય કર બહુત લોકપ્રિય હુએ હૈ। ઉનકી ગિનતી દુનિયા કે મહાન અભિનેતાઓ મેં હોતી હૈ। પદ્મભૂષણ ઓર અન્ય અનેક સમ્માન ઉન્હોને પ્રાપ્ત કિયે હૈ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દૂસરા ચિત્ર દેખીએ। ये किसका चित्र है? तो लता मंगेशकर, बराबर विद्यार्थी मित्रों? तो आपणे एमना विषे माहिती देखिए तो कोकिल कंठी लता जी अच्छी गायिका है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ है। उनके भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार एवं उनकी बहने आशा की और उषा अच्छी गायिका है। लता जी की आवाज़ में जादू है। उनको संगीत के सभी रागों का ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, तीसरा चित्र देखिए कि ये चित्र किसका है? तो मधर टेरेसा का। तो विद्यार्थी मित्रों, एमना विषे आपणे माहिती देखिए कि मधर टेरेसा को कि दाई की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। उनका जन्म यूरोप के युगोस्लाविया देश के स्कोपियो शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। वह किसान परिवार में जन्मी थी। 19 साल की उम्र में वह भारत आई। उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया। पहले गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार और निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करना शुरू किया। बाद में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम, चिकित्सालय और विद्यालय शुरू किए। इसके अलावा रक्तपित्त के रोगियों की भी अनन्य सेवा की। कोलकाता में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे कई सम्मान मिले थे। यह दया की देवी 5 सितंबर 1997 के दिन हमेशा के लिए चल बसी। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे का चित्र देखिए। तो यह चित्र है डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। उन्होंने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य किया था। वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष बने। उनके प्रयत्न से भारत के दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे देखिए।
आगे का चित्र, तो यह चित्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम हमारे देश के वैज्ञानिक है, उनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। वे हमारे देश के राष्ट्रपिता भी रहे हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। डॉक्टर कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी आत्मकथा अगनपंख पढ़ने लायक है। तो विद्यार्थी मित्रों आगे देखिए, तो यह किसका चित्र है विद्यार्थी मित्रों? तो कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल शहर में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। बड़ी मेहनत और लगन से वह अंतरिक्ष यात्री बनी। फरवरी 2003 को वह महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त कर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो विद्यार्थी मित्रों यह चित्र किसका है? तो यह चित्र है सुनीता विलियम्स का। तो सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। वे गुजरात के मेहसाणा जिले की वतनी है। सुनीता 2007 में एटलांटिस अंतरिक्ष से स्पेस स्टेशन पहुंचे। वह अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल्स, आर्ट्स, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में कार्य किया है। तो विद्यार्थी मित्रों यह किसका चित्र है? तो यह चित्र है PT उषा का। तो PT उषा भारत की तेज दौड़ने वाली महिला है। ये उड़न परी के नाम से भी जानी जाती है। PT उषा का जन्म केरल के पायोली नामक गांव में के 1976 में हुआ। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के भारत का नाम रोशन किया। सचिन तेंदुलकर। तो विद्यार्थी मित्रों यह क्या है कि यह किसका चित्र है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया। क्रिकेट के भगवान के कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। क्रिकेट की दुनिया के लगभग सभी रिकॉर्ड उनके नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के में सचिन ने 100 शतक लगाकर शतकों का शतक बनाया है। क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में सचिन का विशेष योगदान रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों यह किसका चित्र है? तो यह चित्र सानिया नेहवाल का है। कि सानिया नेहवाल भारत की बैडमिंटन स्टार है। पिता हरवीर सिंह वैज्ञानिक है। बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किमी की दूरी पर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम पर हर रोज 2 घंटे सुबह में जाती थी। साथ ही वह स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरह करती थी। उसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से के 600 मासिक मिलते थे। तो विद्यार्थी मित्रों अपने जे आ पात्र छे, तो पात्र ने अपने पहला ध्यान थी देखवानो छे कि एमनो नाम शू छे अने पछी एमना विषे माहिती लखवानी छे। बराबर। नमस्कार।